कैसे महान लोग हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, अस्थाना परिवार, जिस तरीके से आपने यात्रा सीरीज को और अपने परिवार को इतना प्यार दिया है ना, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरीके से इस दुनिया में स्किल्ड होइए, अपने ऊपर समय खर्च करिए, अच्छा एजुकेशन लीजिए और उसके बाद इस दुनिया में एंटर करिए। आज हम लोग यात्रा सीरीज की ट्रिपल कैंडल स्टिक्स के अंतिम क्लास की बात कर रहे हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतिम क्लास की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग को पता है, जितने लोग, जितने व्यूवर, जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वाली वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मतलब तीसरी वाली कैंडल स्टिक्स की अंतिम वाली क्लास से जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं कि पहले पहली कैंडल स्टिक, दूसरी कैंडल स्टिक, तीसरी कैंडल स्टिक, फिर उसके बाद चार्ट एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ द पिक्चर्स पर एक्सरसाइज, फिर प्राइस एक्शन, फिर उसके बाद वॉल्यूम ट्रेडिंग, इसकी पूरी यात्रा सीरीज में आप शामिल हो रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप जाकर के फर्स्ट सेकंड की पूरी क्लास को जरूर पढ़ लीजिएगा। इज इट फाइन? नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, जिससे कि जब हम लोग थाउजेंड ऑफ द पिक्चर पर काम कर रहे हो तब आपको बहुत मजा आए सीखने और समझने में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको आज बात करना है थ्री इनसाइड अप पैटर्न। अब यहाँ पे देखो नाम ही इतना लंबा है, थ्री इनसाइड अप पैटर्न। तो पहले थ्री इनसाइड्स की बात करिए, फिर अप पैटर्न की बात करिए, थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। और दूसरी चीज ना, इसको आप लोग थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न था, तो जाहिर सा है, इट इज द कलेक्शन ऑफ थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड एंड आफ्टर टू कैंडल स्टिक्स शुड बी ग्रीन। तो पहला रेड कैंडल होना चाहिए और बाकी के दो कैसे होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ये तो आपके सहन में समझ में आ गया होगा कि पहला रेड होनी चाहिए, बाकी दूसरी ग्रीन और ग्रीन होनी चाहिए, इतना तो समझ में आ गया। अब इसके ओपन और क्लोज की बात करें तो आपको पता है रेड कैंडल है तो जाहिर सा, तो इसका ओपन यहां से है, इसका क्लोज यहां से। ये ग्रीन कैंडल से आप है तो इसका ओपन यहां से, इसका क्लोज यहां से, इसका ओपन यहां से, इसका क्लोज यहां से, ठीक। तो पहले तो आप ये समझिएगा ना कि रेड कैंडल के संबंध में ग्रीन कैंडल सेकंड वाली और थर्ड वाली ग्रीन कैंडल इस वाले के संदर्भ में होनी चाहिए। मतलब सेकंड वाली जो इसके माध्यम से चलिएगा, जो तीसरी वाली है ना, ये वाली जो तीसरी वाली ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन है ना, ये पहली वाली के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। इतना समझ आ गया? तीसरी वाली कैंडल का क्लोज जो है वो दूसरी वाली कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। इतना समझ में आ गया, ठीक। और इसको बांट दीजिए 50% पर। इसको किस पे बांट दीजिए? 50%। अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे भी है तब भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये वाली कैंडल इसके अपसाइड होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? रिपीट कर दे रहे हैं, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल वाली जो ग्रीन है वो दूसरी वाली ग्रीन के क्लोज के ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो पहली वाली रेड कैंडल है ना, इसको 50% से काट दीजिए। तो 50% से काटने पर जो तीसरी वाली ग्रीन कैंडल है ये इस वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ज्यादा इसमें एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना तो मैंने सिंपली आपको समझा दिया, इस पर आप ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, जरा इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या चार्ट्स में क्या शो हो रहा है। चलो भैया ट्रेंड अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये देखिए रेड कैंडल बढ़िया से बनी हुई है, ये यहां से यहां, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यहां से यहां तक, फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यहां से यहां तक। तो हमने पहले इसके भी संबंध निकाल लीजिए। इसका कहना है भाई कि ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है। तो देखिए इस वाली कैंडल से, इस वाली कैंडल से वो ऊपर है, क्लियर। क्लोज क्लोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, लेकिन अगर ये ऊपर है तो वो ऊपर है, लेकिन हमेशा क्लोज की बात की जाती है। इतना तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये वाला क्लोज इस वाले क्लोज से, ये वाला हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, ग्रीन रेड वाली कैंडल को 50% से कट कर देना है। तो आपने 50% से कट कर दिया, और ये जो तीसरी वाली ग्रीन कैंडल है वो 50% का जो हमने कट किया है, एक एज्यूमिंग लाइन खींचा है, यानी कि वहां 50% ही आपको कट करना है, उसके ऊपर से ही वो ओपन होनी चाहिए। ऐसे करके आप संबंध समझेंगे किसके लिए, थ्री इनसाइड अप पैटर्न के लिए। क्लियर हो गया? और एक दो एक्सरसाइज देख लीजिए। यहां पे आपने रेड कैंडल देखा, आपने रेड कैंडल को फॉर्म होते हुए देख लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसका क्लोज ओपन बना लिया 50% के साथ, आपने इसको कंप्लीट कर दिया। आपने देखा कि ये वाली कैंडल हमेशा इस वाली कैंडल के ऊपर
आप साइड में रहनी चाहिए। तो यहाँ बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके से सेम वैसे ही देख रहे हैं। यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, फिर एक ग्रीन कलर की, फिर एक ग्रीन कलर की कट कर दिए, ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर है, फिर मार्केट में आपको ट्रेंड आप साइड देखने को मिला। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और इस तरीके से हम लोग 1000 टॉप पे प्रैक्टिस करेंगे। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 3 साइड अप पैटर्न हमने समझ भर लिया कि हमें पहला रेड मिलेगा, दूसरा ग्रीन, तीसरा ग्रीन। पहले वाला जो ग्रीन है वो दूसरे वाले ग्रीन, जो दूसरा वाला ग्रीन है वो हमेशा पहले वाले ग्रीन से ऊपर रहेगा, और रेड कलर को हम 50% से काट देंगे, तो जो थर्ड वाली ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट वाले रेड कैंडल से अपसाइड होनी चाहिए। यहां तक तो हमें पूरी बात समझ में आ गई ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये बनती कैसे है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द थ्री इन साइड अप इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश स्टिक पैटर्न होती है रिवर्सल में, दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री कैंडल स्टिक्स। ये 3 कैंडल स्टिक्स का पैटर्न होती है, एंड टिपिकली ऑकर्स एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के एंड परफॉर्म होते हुए दिखाई देती है। बनती कैसे है साहब, इसको समझ लो। फर्स्ट कैंडल स्टिक इज अ लॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक। पहली कैसी हुई, लॉन्ग बियरिश हुई, पढ़ चुके हैं। इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूवमेंट, क्या शो करती है, एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट कहती है। द सेकंड कैंडल स्टिक इज अ स्मॉलर बुलिश कैंडल, मतलब वहां से एक थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है, या मार्केट में नीचे से प्राइस रिजेक्शन हो जाता है। कैंडल स्टिक दैट कंप्लीटली इनगल्फ द रियल बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक, दिस इंडिकेट द पोटेंशियल लॉस ऑफ डाउन ट्रेंड मोमेंटम। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाली कैंडल्स के स्टक को जब उसने नीचे से सपोर्ट पर प्राइस एक्शन रिजेक्ट हुआ, तो वहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और वो उसको कवर अप करती है। थर्ड कैंडल स्टिक है बुलिश कैंडल स्टिक दैट क्लोजेस अबव द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल स्टिक, दूसरी वाली कैंडल स्टिक्स के, दूसरी वाली ग्रीन कैंडल स्टिक्स के ऊपर क्लोज होती है। ये चीज हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको लगता है, देखो इतने समय से आप पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पे आपको 2 अनाउंसमेंट करता हूं। सबसे पहले अनाउंसमेंट करता हूं कि अगर आप लोगों को पूछताछ सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया, अगर कोई डाउट आता है, चाहे आप कैसे भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप है उसको डाउनलोड करिए, पूछताछ सीरीज देखिए कहाँ पर है, और पूछताछ सीरीज को फाइंड करके 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन उसे कर लीजिए। सैटरडे और संडे हम लोग वहां पर लाइव क्लास के लिए अनाउंसमेंट करेंगे आपसे, कि वहां पर आपके प्रश्न होंगे और जवाब हमारे होंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमें इस दुनिया में ना ए से लेकर जेड तक पूरी चीजों को सीखना है, तो आप अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इस सारी क्लासेस को अलग अलग भाग में बनाया गया है, जो आपको बेहतर लगता है आप उसे चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि सबसे पहले बोर्ड लाइन नंबर पे हम उसे कॉल करके पहले काउंसलिंग कराइए, अपनी करियर काउंसलिंग के संबंध में समझिए, उसके बाद ही आपको निर्णय लीजिएगा। चलिए हम इसके थोड़ा सा बात करते हैं गोल्डन रूल्स की, कि भैया इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, तो चलो गोल्डन रूल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड कैसा होगा, डाउन ट्रेंड होगा, जो कि हमने पढ़ लिया है। पहली कैंडल कैसी बनेगी, तो पहली कैंडल कैसी बनेगी, आप सभी लोगों को पता है कि पहली कैंडल रेड कलर की कैंडल बनेगी, ठीक। फिर क्या था, सेकंड कैंडल कैसी बनेगी, तो सर सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक, ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। थर्ड कैंडल कैसे बनेगी, तो सर ग्रीन कलर की बनेगी, तो ठीक है ग्रीन कलर की बन गई। कहता है कंडीशन क्या है, थर्ड कैंडल, तीसरी कैंडल क्लोज अबव, क्लोज होनी चाहिए द सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। टाइप कैसी होनी चाहिए, बुलिश। उसके बाद आपको मोमेंटम कैसा देखने को मिलता है, बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट कैसे बनाओगे उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाइम फ्रेम में 5 मिनट 15 मिनट, इसमें सबसे अच्छा ट्रेड होता है 15 मिनट्स में। आप ज्यादातर इसके तरह के साइकोलॉजी बनाइएगा तो 15 मिनट्स को लेकर के बनाइएगा। एंट्री कहाँ पे होती है, अबव थर्ड ग्रीन कैंडल, तीसरी वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर, जो आपने तीसरी वाली ग्रीन कैंडल बनते हुए देखी ना, उसके ऊपर कहीं आप अपनी अपनी एंट्री बना सकते हैं, और ये आपको एक ट्रेंड में जाता है। इसमें प्राइस रिजेक्शन हमेशा आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये आपको एक तुरंत मोमेंटम नहीं देता है, ये क्या देता है, एक ट्रेंड देता है। प्राइस रिजेक्ट होगी फिर अपसाइड जाएगी, फिर रिजेक्ट होगी फिर अपसाइड जाएगी, तो ऐसे करके मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है। तो आप एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन पर बैठ करके भी काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा आप ITM पे काम कर रहे हैं या ATM पे काम कर रहे हैं, तो 100 से 200 अंक ऊपर भी आप अपने OTM पर काम कर सकते हैं, क्लियर हो गया, या डीप ओटीएम पर भी जा सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर ये देखकर कि मार्केट किस दिन सजा है, मार्केट किस दिन बना है, तो वहां पर आप डीप ओटीएम पर भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं जब मार्केट एकदम फ्रेश बनी हुई हो, क्योंकि ये ट्रेंड वाइज ऊपर चलती है, तो अल्टीमेटली एक समय बाद मार्केट वहां तक पहुंचती हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बात आती है कि भैया एंट्री कहाँ करोगे, तो तीसरी वाली ग्रीन कैंडल, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, तो पहली वाली रेड कैंडल के नीचे, जो पहली वाली रेड कैंडल बनी है वो जहां पर आपको क्लोज हुई है वहां कहीं आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सर निकले कहाँ से, एग्जिट कहाँ से करें, तो भैया एग्जिट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर मार्केट आपको एक रिवर्सल ट्रेंड दे दे, मार्केट अपना सेंटिमेंट आपको बता दे कि मैं यहां से चेंज होने वाली हूं, तो बिना सोचे समझे वहां से निकल जाना ही बुद्धिमानी है, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना बुद्धिमानी है। अब आप अपनी एंट्री एग्जिट को एक बार यहाँ पर डिस्प्ले पर समझ लीजिए, यहां पर कहीं आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। माय डियर, मैंने आपको बताया कि प्राइस हमेशा रिजेक्ट होते हुए चलेगी, ऐसे जाएगी फिर रिजेक्ट होगी, फिर ऊपर जाएगी फिर रिजेक्ट होगी, और ऐसे करते हुए ट्रेंड में ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक अच्छा यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की रही बात, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो पहला स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ऐसे ही करके चलता है, तो यहाँ से भी आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। लेकिन रियल स्टॉप लॉस यहाँ से बन रहा है, जो कि मैंने आप लोग को बढ़ाते पढ़ाते समय बता दिया। लेकिन स्टॉप लॉस को लेकर मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, मैंने हमेशा बोला है कि स्टॉप लॉस के साथ ही चलना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि तो मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट का कोई बाप नहीं है, मार्केट किसी को भी नहीं बख्शती है ना। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस आपके लिए भगवान का काम करती है। स्टॉप लॉस आप हमेशा ट्रेल करते हुए चलिए, स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हुए चलिए, डिसिप्लिन में अपने डाल लीजिए। यहां पर आप अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है कि मान लीजिए अगर मार्केट इसी मूवमेंट को एक बार रिजेक्ट करती है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या सबसे सेफर यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाते समय हमेशा अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को आप ध्यान में रखते चलिएगा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपकी पॉकेट की कीमत आप जानते हैं ना, मैं नहीं जानता या कोई भी पढ़ाने वाला नहीं जानता। तो इसका मतलब यहाँ पर इस उद्देश्य से आप बिल्कुल एंट्री मत करिएगा कि आपने यहाँ पर 20,000 रुपीज एंट्री करी और आपने अपना स्टॉप लॉस 8,000 रुपए का लगा रखा है, तो इसका मतलब कि 12,000 रुपए आपका रिस्क में है। अगर 12,000 रुपए रिस्क में है तो जाहिर तौर पर आपकी उम्मीद बनती है कि 36,000 रुपए तक ये जाने चाहिए, क्योंकि तो इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 के रेशियो में चलती है। ये रियल पढ़ाई हो गई कि 1:3 के रेशियो में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड करना पड़ता है। अगर यहां पर आप आ रहे हैं तो साइकोलॉजिकली आप इस चीज को समझिएगा, साइकोलॉजिकली क्या समझिएगा कि यहां पर दोनों कंडीशन को आप बेहतर तरीके से अपने जहन में रखिएगा। रिस्क कि आपका जाएगा तो 8,000 रुपए जाएगा, रिवॉर्ड आएगा तो 36,000 आएगा। ये चला गया तो आप भी मार्केट से तुरंत बाहर हो जाइए, आप अगले दिन की ट्रेड करिए। ये आ गया तो भी बाहर हो जाइए, आप अगले दिन ट्रेड करिए। अगर इसके अंदर आपने किसी भी प्रकार से कोई भी साइकोलॉजिकल चेंज किया, कोई भी माइंडसेट गेम चेंज किया, तो उसका खामियाजा आपको दो तरीके से भुगतने को मिलेगा। सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और दूसरा आपका पैसा लूज हो जाएगा। पैसा लूज हो गया तो दोबारा पैसा की इच्छा रहेगी, और अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो दोबारा कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि ये सारा गेम साइकोलॉजी का है, माइंडसेट का है। जब आप प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज पढ़ते हो ना, तो प्राइस एक्शन 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहला होता है बाय बेसिक प्राइस एक्शन, जिसपे चार्ट की बात होगी, कैंडल स्टिक्स की बात होगी, सब। सेकेंड कैंडल स्टिक्स ना आपको चार्ट पैटर्न और वाई पर बातचीत करेगा, लेकिन जो तीसरा एडवांस होता है ना, तो एडवांस पर काम होता है कि सबसे इंपॉर्टेंटली हमें समझना होता है एडवांस वाले पर जाकर। क्या देखना होता है एडवांस पे, कि वहां साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसी सारी चीजों को एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो आप सोचिए कि ये बेसिक्स यहां है, सेकंड में खाली चार्ट पैटर्न्स है, और तीसरे वाले पर ना एडवांस चीजें, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, वो तीसरे लेवल पर एडवांस में बात हो रही है। तो इसलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि इसके लिए आप बिल्कुल मजबूत रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने समय और अपनी ऊर्जा और अपना पैसा एजुकेशन पर खर्च करिए, एक अच्छी मेंटरशिप लीजिए। तब तक आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।